हेलो गाइस, इस बाइक के अंदर दोस्तों ऐसा फॉल्ट है कि दोस्तों जब हेडलाइट चालू करते हैं और सिग्नल या हॉर्न बजाते हैं तो दोस्तों आगे की रोशनी कम हो जाती है, या सिंगल लाइट कम हो जाती है, या हॉर्न कम हो जाता है, या आगे की रोशनी कम हो जाती है हेडलाइट की। दोस्तों हम प्रूफ के साथ बताएंगे। जब भी मैकेनिक दोस्तों ऐसा फॉल्ट आए तो बैटरी से फॉल्ट हो सकता है या आरआर यूनिट से फॉल्ट हो सकता है, बैटरी चार्जर से फॉल्ट हो सकता है। दोस्तों जब हम रीडिंग मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो दोस्तों आपको लगेगा कि आरआर यूनिट से फॉल्ट है, लेकिन जब दोस्तों नया बैटरी हम डालेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कहोगे कि बैटरी ख़राब है। दोस्तों हम प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। दोस्तों उसका वोल्टेज 13+ है, लेकिन दोस्तों आपको लग रहा है कि बैटरी चार्जर फॉल्ट है, लेकिन दोस्तों बैटरी चार्जर हम जब दोस्तों बैटरी डालेंगे तो उसका रीडिंग सही हो जाएगा। अभी आपको दोस्तों ये लग रहा था कि बैटरी चार्जर सही है, बैटरी के अंदर फॉल्ट है। दोस्तों ये कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार, जब हम बैटरी नहीं डालते हैं तो ऐसा लगता है कि बैटरी भी सही है, बैटरी चार्जर भी सही है। दोस्तों कहाँ से फॉल्ट हो सकता है हम आपको आगे से चेक करके दिखाएंगे। मैकेनिक दोस्तों अभी हेडलाइट तो बहुत ही अच्छी जल रही है, लेकिन दोस्तों इंडिकेटर लाइट ये देख लो दोस्तों, इंडिकेटर लाइट दोस्तों बहुत ही कम जल रही है। कभी कभार दोस्तों हेडलाइट कम हो जाती है, कभी कभार सिंगल लाइट चालू करने से हेडलाइट ब्लिंक करती है, कम हो जाती है, ऐसा होता है। दोस्तों कहाँ से फॉल्ट है? दोस्तों इस रेगुलेटर से, आरआर यूनिट से फॉल्ट है। हम आपको चेंज करके आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। जब भी दोस्तों ऐसा फॉल्ट आवे तो दोस्तों घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। हम दोस्तों वेरॉक कंपनी का आरआर यूनिट डालकर आपको दिखाएंगे। ये पुराना रेगुलेटर है और हम नया आरआर यूनिट वेरॉक कंपनी का डाल रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।